डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में तियानगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र से एलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए उपग्रह द्वारा तियानगोंग स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की। चीन ने अमेरिका से उसके स्पेस स्टेशन और 3 अंतरिक्ष यात्रियों को उपग्रह से सुरक्षित रखने की अपील भी की। अब जान लेते हैं तियानगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। इस स्पेस स्टेशन को चीन की चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी CMSA द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में विकसित किया जा रहा है। तियानगोंग शब्द का अर्थ स्वर्गीय महल होता है। मई 2021 में स्टेशन का पहला मॉड्यूल तियानहे भेजा गया था। यह स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से आकार में छोटा और वजन में लगभग 5 गुना हल्का होगा। इस स्टेशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रखने की क्षमता है। चीन की वर्ष 2022 तक इसे पूर्ण रूप से विकसित करने की योजना है। अब जान लेते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है। यह उपग्रह आधारित वैश्विक इंटरनेट सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा घोषित किया गया था। इस प्रोजेक्ट में हजारों उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना है। इसका उद्देश्य हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना है। अब तक इस योजना के तहत लगभग 2000 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा जैसे देशों की स्पेस एजेंसियों का साझा प्रयास है। यह स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह 28,000 किलोमीटर पर आर की गति से प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अप्रैल 2021 तक 19 देशों के 244 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है। गौरतलब है कि भारत की भी 2030 तक स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। अब नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों देश बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी के पक्षकार हैं। इसके चलते चीन ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। यह संधि वर्ष 1967 में लागू हुई थी। यह सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग करने की इजाजत देती है। साथ ही यह अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगाती है जो जनसंहारक हो। भारत प्रारंभ से ही इस संधि का हिस्सा है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। तियानगोंग स्पेस स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। 2. यह स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आकार में छोटा और वजन में लगभग 5 गुना हल्का होगा। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।